वापस आ रहा, वापस बाहर निकलेगा लेट के बीच में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मोरा सर मित्र पर। और आज हमें हमारे ज़िला आजमगढ़ के बगल के ज़िला गाजीपुर के इटवा रामपुर से एक रेस्क्यू कॉल आया है। इन्होंने बताया कि एक सांप हमारे यहाँ इस छत पे जो दिखाई दे रहा है, इस करकट पे छिपा पड़ा है और ये छोटी छोटी चिड़ियों का शिकार करके उनके बच्चों को खा जा रहा है, जिससे पूरा गाँव डरा हुआ है, पूरा गाँव दहशत में है और इसी करकट में दोबारा से छिप जा रहा है, बार बार छिप जा रहा है। और आज इसको देखने के लिए जब एक बच्चा इस करकट पे चढ़ा था तो इसने उसके ऊपर भी अटैक का प्रयास किया, तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और हमें कॉल किया। और हम लोगों ने इनको समझाया कि आप लोग कभी भी सांपों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और इसी बिल में, मतलब इसी करकट के जो जगह बचा है उसमें सांप बैठा है, इसको यहाँ से हम लोग बाहर निकालेंगे। काफ़ी मुश्किल टास्क है, इसे बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सावधानी के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी चूक होती है तो सांप को भी चोट पहुँच सकती है और हमें भी चोट पहुँच सकती है। इस गांव के लोग कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और इन्होंने अपने ज़िले में स्नेक रेस्क्यूअर से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन कोई इन्हें ऐसा मिला नहीं। तो हमें सूचना मिली इसकी, इन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं और सांप कई दिनों से लगातार इसी करकट में रह रहा है ईंटों के अंदर, और टाइम टाइम पर निकल के शिकार कर रहा है और शिकार करने का प्रयास कर रहा है, जिससे पूरे गाँव में भय का माहौल बना हुआ है कि कभी भी सांप निकल सकता है और अटैक कर सकता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा गाँव भी इकट्ठा हुआ है देखने के लिए कि सांप को कैसे पकड़ा जाता है। जिस सांप की वजह से पूरा गांव डरा हुआ है, आज उसको यहां से निकाला जाएगा और इस गांव के लोगों का डर ख़त्म किया जाएगा। आपने देखा वीडियो में कि गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें सब लोग यहां पे मौके पे इकट्ठा हुए सिर्फ और सिर्फ इस सांप को देखने के लिए। और यहाँ पर नीटों पर काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ दिखाई दे रही हैं अपने छोटे छोटे अंडों के साथ में। हम इनका घर तो नहीं ख़राब करना चाहते थे, मतलब कि इन ईंटों को नहीं उजाड़ना चाहते थे, लेकिन हमारी मजबूरी है, इस खतरनाक सांप को पकड़ने के लिए इन ईंटों को हटाना पड़ेगा, जिसमें छोटी छोटी चींटियों के घर को ख़राब करना पड़ रहा है हमें, जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन इस खतरनाक सांप को पकड़ने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी तेज तर्रार और बड़े साइज़ का इंडियन स्पेक्टकल कोबरा सांप है। इंडियन स्पेक्टकल कोबरा यानी कि नाग, इसे हिंदी में नाग कहते हैं, इसे फिटार भी कहते हैं और इसे हमारी लोकल भाषा में घुमन भी कहते हैं। आप लोग गांव वालों के चेहरे पर साफ साफ देख सकते हैं इस सांप को पकड़ने के बाद एक अलग खुशी, एक अलग स्माइल दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका डर ख़त्म हुआ है इस सांप को लेकर के, जिस डर के साय में ये लोग जी रहे थे कई दिनों से। इनके ऊपर लगातार खतरा बना हुआ था कि ये सांप कभी भी कहीं भी जा सकता है और किसी को भी बाइट कर सकता है। तो हम लोगों ने बताया कि सांप ऐसे ही किसी को बाइट नहीं करता। हाँ, ये बात सही है कि ये कभी भी कहीं भी जा सकता है अपने शिकार के लिए या फिर अपने आवश्यकता के अनुसार। तो लोग बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और अभी पूरे गांव के लोग यहां पे इकट्ठे हो गए हैं देखने के लिए कि किस तरह से इस सांप के रेस्क्यू को किया जाता है और हम लोग इसको किस तरह से बैग के अंदर पैक करते हैं। और लोग हमसे कुछ जानकारी लेने के लिए भी यहां पे इकट्ठे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो हम लोगों को देंगे। अभी हम इसको लेके नीचे उतर जाते हैं यहाँ से। आप लोग देख सकते हैं पीछे भी एक भाई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं,
पेड़ पर चढ़ के। यही वो शख्स हैं जो इसको देखने के लिए चढ़े थे, तो इसने उनके ऊपर अटैक का प्रयास किया। शायद इसे खतरा महसूस हुआ होगा कि कोई मुझे मारने के लिए आया, तो इसने अपने बचाव के लिए उनको डराया, डराने का प्रयास किया। और हम लोग इसको लेके नीचे आ चुके हैं, अब यहाँ पे हम लोग इसको पैक कर लेंगे, उसके बाद इसको इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ा जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे पूरे गांव के बच्चे और बूढ़े और औरतें भी आ गई हैं, सिर्फ और सिर्फ इस सांप को देखने के लिए। तो हम लोगों को इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यह एक इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा है, इसे हिंदी में नाग कहते हैं, इसे फिटार भी कहते हैं और इसे लोकल भाषा में घुमन कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा होता है। हमें ऐसा लग रहा है कि इसके आँख के पास में किसी चीटी वगैरह ने पकड़ा है। मैं कैमरा जूम करके दिखाता हूँ। क्या चीटी थी? क्या चीटी? नहीं है ना। और इसे किसी चीटी ने नहीं पकड़ा है, हमें देखने में गलत फहमी हो गई थी। तो हम लोग जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। कोबरा सांप के अंदर न्यूरोटॉक्सिस जहर पाया जाता है, जो किसी इंसान या जानवर को अगर बाइट कर लेता है तो उनका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, और अगर उनका सही वक्त पे सही इलाज न करवाया जाए तो इंसान या जानवर की मौत हो जाती है जिसको भी ये बाइट किया रहता है। तो इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है कि अगर कभी भी कोई स्नैक बाइट करता है तो हमें सीधा अपने सबसे नज़दीकी सर्पदंश अस्पताल पे जाना चाहिए, ना कि किसी झाड़फूँक या बाबा तांत्रिक के चक्कर में पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी झाड़फूँक या बाबा तांत्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो हम अपने या फिर किसी अपने की जान गंवा देंगे। हमारे वीडियोज़ में सांपों से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे आप प्रेस करेंगे और वो ग्रे कलर का हो जाएगा। इसका मतलब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और आप लोग बगल में एक घंटे की तरह बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, जिसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप घंटा दबाएंगे तो आपको अगले वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगे, कब हम लोग अगला रेस्क्यू करते हैं और कब अगली वीडियो डालते हैं। और आप लोग देख सकते हैं सफलतापूर्वक इस रेस्क्यू को किया जा चुका है, इसको हम लोगों ने बैग के अंदर पैक कर लिया है। अब यहाँ से ले जा करके हम लोग इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ेंगे। और आप लोग देख सकते हैं पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा और सब लोग तालियां बजाकर हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अब लोग सांप को रिलीज करने के लिए जंगल में आ चुके हैं। यह जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, और आप लोग देख सकते हैं ये अपने अनुकूलित वातावरण में जा रहा है, हम लोग इसे जाने देंगे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग जागरूक हों और सर्पदंश से होने वाली मृत्यु में कमी आए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप लोग पर्यावरण संरक्षण व जीव जंतुओं की सुरक्षा में हमारा सहयोग दे सकते हैं और अपनी सहभागिता ले सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।